नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल राज शर्मा इंदौरी को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहता हूं और ये जो मॉड्यूल हम आपके लिए अभी करने वाले हैं वो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है। जब लोग हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं तो ज्यादातर नए लोग जो इस बिजनेस से पहले नहीं जुड़े होते, उनके मन में दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। मुझसे आके कुछ लोग पूछते हैं कि सर, हमें इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है? क्या प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बेचने हैं या अपने साथ नेटवर्क बनाना है? इनमें से पहला कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है? मैं हमेशा उनसे एक ही सवाल पूछता हूं कि पहले क्या आया, मुर्गी आई या अंडा? यानी कि इसके ऊपर डिस्कशन और विचार अभी भी जारी है। पर लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको करना क्या है। आपको अपने साथ प्रोडक्ट को सेल करते करते अपना नेटवर्क भी बनाना है। नेटवर्क बनाने से आपकी शक्ति और आपकी क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। वो किस प्रकार से, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 10,000 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने आप वेस्टीज के बेचते हैं, जिसके करके अपने लिए एक अच्छी खासी आमदनी पा रहे हैं, अगर आपको समय लगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अगर 6 महीने के अंदर भी आप अपने जैसे सिर्फ 10 लोग इस बिजनेस में ले आते हैं जो भी 10,000 रुपए के प्रोडक्ट हर महीने बेचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपके ग्रुप के अंदर कितना बिजनेस हुआ, 1,10,000 का। यानी कि अगर आपने 6 महीने भी लगाए तो मात्र 6 महीनों के अंदर आपका बिजनेस 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। अगर 10 गुना बिजनेस बढ़ा तो यानी कि आपकी आमदनी भी जो आप अकेले कमा रहे थे उससे 10 गुना ज्यादा होगी। लेडीज जेंटलमैन, यही फायदा है नेटवर्क बनाने का। पर नया नेटवर्क कैसे बनाना है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जो नए लोग इस बिजनेस में आते हैं उनके इस सवाल को का जवाब देने के लिए और उनको सिखाने के लिए कि इस बिजनेस को किस तरह अच्छी तरह कर सकते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे वेस्टीज व्यापार का, हमारे बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है कि किसी को भी मिलने पर उन्हें कहानियां सुनाएं। बिल्कुल आपने सही सुना, कहानियां सुनाएं। क्यों? क्योंकि कहानियां सुनाने से हमारी अंदर की ताकत प्रभाव डालती है, राइट? उसके साथ साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कहानियां सुनाने से ही आता है। ये कहानियां किस प्रकार की सुनानी है, चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपने कहानियां सुनानी है काय के लिए, सहारा और बढ़ाव देने के लिए। वेस्टीज में ग्राहकों के प्रोडक्ट का विश्वास बढ़ाने के लिए उनको प्रोडक्ट के प्रमाणों यानी कि टेस्टिमोनियल्स के बारे में कहानियां सुनाएं। कहानी किस प्रकार की? अरे आप मानोगे नहीं, मैं जब पिछली बारी मीटिंग में गया था वहां पे एक आदमी आया था, उसको पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम क्या थी कि उसके पेट के अंदर हमेशा कोई ना कोई पेट खराब रहता था, अंदर से बास बहुत आती थी, उसके घुटने बहुत दुखते थे, उससे चला जाता नहीं था, दीवार पकड़ के खड़ा होता था। उसका इतना बुरा हाल था कि कहीं जगह इलाज करा लिया पर कहीं से उसको फायदा नहीं हुआ। 10 साल से वो तड़फ रहा था, वो तो खुद भगवान को प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मेरी ये जिंदगी को खत्म कर दे ताकि मैं और सह नहीं सकता। उसने हमारे प्रोडक्ट्स खाए और 3 महीने के अंदर वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और इस बारी वो मीटिंग में भी आया था। लेडीज जेंटलमैन, मेरा एक बात कहने का होगा कि ये कहानियां बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए और इस प्रकार की कहानियां आप जब भी जाएंगे मीटिंग्स के अंदर, आपको हजारों लोग जो मिलेंगे आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट से उनको क्या फायदा हुआ। जैसे मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं गोरखपुर गया था, आज से लगभग 15 दिन पहले, वहां पे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि जब मैं एक बारी बचपन में गिर गया था, मेरे सिर के अंदर पूरे के पूरे दाने यहां पे हो गए थे, मोटे मोटे फोड़े जो ठीक नहीं होते थे, ट्यूमर टाइप के बन चुके थे, वो किसी चीज से ठीक नहीं हुए। मैंने आपका नोनी खाना शुरू किया और मात्र 4 महीने के अंदर जो 7-8 ऐसे चीजें थी उनमें से 6 जो हैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेडीज जेंटलमैन,
कोई व्यक्ति जो कहता है कि मेरे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज था, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा ज्यादा था, मेरे अंदर ताकत नहीं थी, मैंने इन प्रोडक्ट को खाया और ठीक हो गए, इन प्रोडक्ट के विषय में कहानियां सुनाए जब भी मिले। पहली बारी अगर नहीं लेता कोई बात नहीं, अगली बारी मिले, अरे आप मानोगे नहीं हमारे प्रोडक्ट इतने कमाल के हैं, मैं गया था मेरे एक डाउनलाइन ने मुझे बताया, उसने इन प्रोडक्ट को किसी को दिया, उनको ये फायदा हुआ। यानी कि कहानियां सुनाए सहारा और बढ़ावा देने के, ना ही सिर्फ प्रोडक्ट के विषय में, क्योंकि हमें उन लोगों के को जो अभी तक हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, उनको सबसे पहले हमने बनाना है ग्राहक। लोग कहते हैं कि यार इतना काम करना पड़ेगा, पहले उनको ग्राहक बनाओ, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग हाथी खा सकते हैं? आप हंस रहे होंगे कि हाथी, अरे इतनी बड़ी चीज, विशाल चीज कोई व्यक्ति खा सकता है? नहीं खा सकते ना। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप हाथी कैसे खा सकते हैं। हाथी को अगर खाना है तो पहले दिन एक उसकी लात लीजिए, सुबह नाश्ते में खाइए, दोपहर को दोपहर के खाने में खाइए, रात के खाने में भी हाथी की लात खाइए, कम से कम 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन भी लगेंगे तो एक लात खत्म होगी। चलिए अगर 15 दिन में एक लात खत्म होगी, यानी कि 60 दिन में चारों लातें खत्म होगी, और अगले 3 या 4 महीने और लग जाएंगे आपको पूरा धड़ खत्म करते हुए। एक चीज जो आप सोचते थे कि असंभव है कि हाथी को खाया नहीं जा सकता, समय जरूर लगा पर थोड़ा थोड़ा करके आप पूरे हाथी को भी खत्म कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये सब आसान है, ये इसको सिर्फ सिस्टम यानी कि प्रणाली से करेंगे सुबह दोपहर शाम तो आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। कि जो लोग हमारे बिजनेस में अभी आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, उनको हमने क्या करना है, सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है। कहानियां काहे के लिए सुनानी है, सहारा और बढ़ावा देने के लिए। वेस्टीज के जो व्यापार में डिस्ट्रीब्यूटर्स के विश्वास को बढ़ाने के लिए उनको बिजनेस के संबंधी कहानियां सुनाएं। अरे आप मानोगे नहीं, पिछले साल जो फरवरी के अंदर एक व्यक्ति आया जिसने वेस्टीज को ज्वाइन किया, पहले महीने का उसका चेक 57,000, दूसरे महीने का चेक 84,000, थर्ड मंथ का चेक 64 के आसपास गया, चौथे महीने की उसकी आमदनी 1,05,000, छठे महीने की आमदनी उसकी 1,37,000 और नौवें महीने उसकी आमदनी थी 3,00,000। लेडीज जेंटलमैन, एक ही एग्जांपल ऐसा नहीं, अगर आप देखें जम्मू से लेके तमिलनाडु तक, कोचीन से लेके कैलकटा, कोहिमा, हर जगह, पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस को मात्र 2 साल पहले या 3 साल पहले शुरू किया और 3 साल के अंदर वो उन लेवल्स पे जा चुके हैं, उस आमदनी पे जा चुके हैं जो उन्होंने पिछले 15 साल या 20 साल और व्यवसाय करने के बाद भी नहीं कमाई। एक कहानी मैं भी आपको इस विषय में सुनाना चाहूंगा। मैं अभी बालाघाट गया था मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे हमारा ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार हो रहा था। इस सेमिनार के अंदर हम करते क्या है कि अपनी मीटिंग के अंदर लोगों को पूछते हैं कि आप में से कौन से लोग हैं जो वेस्टीज के अंदर आए और आपने आके लगभग पिछले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर सफलता पाई। एक व्यक्ति वहां पे उठे, उन्होंने कहा कि 35 साल मैंने भारतीय रेल में नौकरी की, 35 साल की मेहनत के बाद भी मैं अपने लिए आमदनी मेरी 20,000 रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं थी, वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए मुझे मात्र 4 महीने हुए हैं और चौथे महीने की मेरी आमदनी थी 35,000। लेडीज जेंटलमैन, जो हम कहते हैं कि वेस्टीज को चुनिए अपनी जीविका, मुझे बताइए कौन सी जीविका लोग चुनेंगे कि 35 साल एक नौकरी करो और उतना ना कमा सको जितना आमदनी आप आराम से 4 महीने में यहां पा सकते हैं। इसी तरह की कहानी, जो लोग सफल हैं उनकी कहानी अपने लोगों को सुनानी है ताकि उनका वेस्टीज के व्यापार के बारे में विश्वास पड़े। लेडीज जेंटलमैन, आगे बढ़ते हुए आपने करना क्या है, सही बात आपने कही कि कहानियां सुनाना है, कहे के लिए सहारा और बढ़ावा देने के लिए। आपकी जो डाउनलाइंस बन गए उन लोगों को कहानियां सुनाइए, किस चीज के बारे में, कंपनी के अंदर विश्वास जमाने के लिए। वो ज्वाइन तो कर गए, अरे बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं, अरे उनको कंपनी की तरक्की के बारे में कहानियां सुनाइए,
आप मानेंगे नहीं, अगले तीन महीने में कम से कम कंपनी के चार नए प्रोडक्ट आ रहे हैं। कंपनी अगले साल 2010 में विदेश जा रही है, हम खोलने जा रहे हैं बहुत जल्दी नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, दुबई और साउथ अफ्रीका। लेडीज जेंटलमैन, हमारा लक्ष्य क्या है, आने वाले साल 2018 तक वेस्टीज बनना चाहती है 5,000 करोड़ की कंपनी, यानी कि $1 बिलियन, और उसके अंदर हम प्रेजेंट होंगे कम से कम 20 देशों में। जो कंपनी की तेज ग्रोथ हो रही है कि हर साल कम से कम 100% का ग्रोथ फैक्टर है और इस साल हम कम से कम 300% की ग्रोथ ले रहे हैं, जो रिफ्लेक्ट करती है आपके सब लीडर्स के अंदर भी, उनकी आमदनियां किस तरह बढ़ रही हैं, कंपनी की जो ग्रोथ है इसके बारे में कहानियां सुनाएं। काहे के लिए? सहारा और बढ़ाव बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनसे उनका विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। आगे चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड, नया नेटवर्क कैसे बनाना है, उसके अंदर आपने करना यही काम है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि वेस्टीज के बिजनेस का मूल्य कार्य क्या है, कहानियां सुनाना। कहानियां कहे के लिए सुनानी है, सहारा और बढ़ाव देने के लिए। नेटवर्क का विश्वास, सिस्टम एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली में मजबूत करने के लिए उनको वेस्टीज शिक्षा प्रणाली के संबंध में कहानियां सुनाए। अगर कोई व्यक्ति कहता है यार इस बिजनेस को करना मुश्किल है, उनको कहो करना आपको क्या है, सिर्फ सिस्टम तो फॉलो करना है। हमारा सिस्टम क्यों बनाया गया है, हमारा सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी इसमें सफल हो जाए। आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, सीडीज खरीदो, पोर्टेबल प्लेयर जो है आजकल वीसीडी प्लेयर 800 से लेकर 1,000 रुपए तक के आते हैं, घर घर टीवी लगे हैं, उसके अंदर लगाइए सीडी, लगाइए प्ले के बटन के ऊपर अंगूठे की छाप दीजिए, अपने ग्राहक को प्रोडक्ट के बारे में बता दो। जब आप नेटवर्क बनाते हो, लोग चाहते हैं जानकारी कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, आपने करना क्या है, उनको अपने लोगों को भी प्रोडक्ट की सीडीज दिखाओ। किसी को मार्केटिंग प्लान समझाना नहीं आता, कंपनी के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, करना क्या है, सीडीज दिखाओ। जब नए लोग आएंगे, आप बताइए मुझे काम कैसे करना है, करना क्या है, सीडी दिखाओ। ये जो एजुकेशन सिस्टम की आप अभी सीडी देख रहे हैं, यही सीडियां उनको दिखाइए, ताकि उनसे पूछिए कि क्या आज के दिन पे कोई भारतवर्ष में ऐसी एक कंपनी है जिसने इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाया है। हजूर, पूछ के तो देखिए, कोई व्यक्ति ऐसी कोई कंपनी ढूंढ नहीं सकेगा। जब आप इस तरह का उनको विश्वास दिखाते हैं, अरे वेस्टीज के सिस्टम में सफल होना तो बहुत आसान है, मुश्किल काम तो करना ही नहीं, करना क्या है, सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, पांचवा करो मीटिंग, छठा करो टीम वर्क, सातवां करो फॉलो अप। हर रोज अगर आप इसी काम को करते रहते हैं तो सफलता आपकी 100% गारंटीड है। लेडीज जेंटलमैन, चलिए चलते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए आप सोचेंगे कि ये कहानियां हमें कहां से मिलेंगी, इनका क्या सोर्स, क्या सूत्र होगा। ये कहानियां आपको मिलती हैं जब आप मीटिंग्स में आते हैं। ये मत सोचिए अरे मीटिंग तो मैं 5 बारी अटेंड कर चुका हूं, जब हर बारी आप जाएंगे कोई ना कोई नया व्यक्ति आपको अपनी कहानी सुनाएगा। वो लोग जो अभी तक आपके साथ बिजनेस में नहीं आए, उनको जाके आपने यही कहानियां सुनानी है। इसके साथ साथ आपको जो VCDs हमने आपके लिए लॉन्च की हैं, जो हमारे क्राउन एंड यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स की, उनकी सफलता की कहानियां सुनाएं, और साथ ही साथ आपका जो सोर्स है, आपको कहां से ये पूरा का पूरा जखीरा मिलेगा, वो मिलेगा मार्गदर्शकों से मुलाकातें, यानी कि मेंटर्स जो इस कंपनी के अंदर अचीवर्स हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो उनसे पूछिए सर आप कैसे सफल हुए, क्या आपको कोई मुश्किलें आई, अगर मुश्किलें आई तो आपने उनको कैसे हैंडल किया। जो वो बताते हैं उसी का डुप्लीकेट कीजिए। आप जब डुप्लीकेट करेंगे अपने डाउनलाइंस को बताइए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। हम यही तो कहते हैं वेस्टीज में सफलता पानी है तो करना क्या है, डुप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किस चीज की, सही कार्य की, और मल्टीप्लीकेशन किसकी, सही एटीट्यूड यानी कि भाव की। अगली स्लाइड पे आपको ले जाते हुए मेरे फैमिली मेंबर्स, माय पीपल, वेस्टीज के फैमिली, मैं आपको कहना चाहूंगा आपको चाहिए क्या यहां पे, सिर्फ निश्चित विश्वास, कि आपको यह पक्का विश्वास होना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य यानी कि अच्छी हेल्थ, सुंदरता और सेल्फ कॉन्फिडेंस को धारण करने के साथ साथ आप दूसरों को इस बिजनेस में मदद करने में भी सफल होंगे, क्योंकि
सिर्फ आपका केवल निश्चित विश्वास ही दिला सकता है आपको वेस्टीज के अंदर पूर्ण सफलता। नेक्स्ट स्लाइड में जब आप लोगों से इन चीजों के बारे में बात करेंगे, जब लोग आपसे प्रभावित होंगे, प्रभावित किस बात में होंगे, क्योंकि आप उनको प्रोडक्ट के बारे में सच्ची कहानियां सुनाई। जो लोग इस बिजनेस में सफल हो रहे हैं, जब आपने उनके बारे में उनको बताया, आपने बताया कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा काम करता है और साथ ही साथ आपको पूर्ण विश्वास है कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे ही होंगे, आपको विश्वास है कि आपके दोस्त भी जो इस बिजनेस में आएंगे वो सफल होंगे, आपको विश्वास है कि हमारे प्रोडक्ट पैसे से बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, आपको विश्वास है कि आपके लोग आने वाले भी इस वेस्टीज के सिस्टम का सुंदर वातावरण के अंदर खुश होंगे, और आपको विश्वास है कि जैसे जैसे आप वेस्टीज प्रणाली को अपनाएंगे आप अपने आप को सफलता पे पाएंगे। जब इस विश्वास के साथ आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके साथ प्रभावित होंगे। जब आपके साथ प्रभावित होंगे तो आपसे सिर्फ एक चीज पूछेंगे कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता या चाहती हूं, बताओ शुरुआत कैसे करें। शुरुआत कैसे करें, चलिए आपको बताते हैं उनके साथ आपने अब क्या करना है, आपने करना क्या है। अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तुरंत ही उन्होंने वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए कि 7 कदम उनके साथ बांटे। कौन से? सबसे पहला इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कीजिए, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताइए, तीसरा लिस्ट बनाइए, चौथा आप इनवाइट कीजिए, पांचवा करिए मीटिंग, छठा करिए टीम वर्क, सातवा करिए फॉलोअप, और अपने डाउनलाइन की आत्म क्षमता यानी कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, उसके कार्य क्षेत्र के आधार पे यानी कि वो किस तरह के लोगों को जानता है और कहां पे काम कर सकता है, उसके साथ एक मीटिंग तय कीजिए ताकि उसका पहला लक्ष्य यानी कि टारगेट बनाया जाए कि वो कितनी जल्दी डायरेक्टर बन सकता है। और साथ ही साथ उसे एक चीज बता दीजिए कि वेस्टीज में शुरुआत कैसे करनी है, ये 7 कदम को उसको हर रोज करना है, और उसने क्या हमारे सारे टूल्स खरीद लिए हैं, क्या उसके पास प्रोडक्ट कैटलॉग्स हैं, क्या उसके पास सक्सेस प्लान है, क्या उसके पास फ्लिप चार्ट है, क्या उसके पास सीडीज हैं, क्या उसके पास फाइलिंग सिस्टम है, क्या उसके पास प्रोडक्ट गाइड्स हैं। उनके पास अगर पूरे हथियार होंगे तभी वो इस जंग में सफल हो पाएंगे। लेडीज जेंटलमैन, इस बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए अगली स्लाइड पे ले जाते हुए, जब आप अपनी डाउनलाइन को किसी से भी मिलने के लिए कहें, उनको इनकरेजमेंट दें, उनको प्रेरणा दें, उनको ज्ञान दें कि किसी को भी मिलने पर उनको करना क्या है, बहुत आसान सा काम, कहानियां सुनाएं प्रोडक्ट के बारे में, सफल लोगों के बारे में, कंपनी की तेज ग्रोथ के बारे में, और सिस्टम एजुकेशन यानी कि शिक्षा प्रणाली को अपनाने के लिए उन्हें इनकरेज करिए और याद दिलाते रहे कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, नॉलेज ज्ञान उनको मिल सकता है हमारी VCDs से, बुक से, जिनको वो सुनते रहे, मीटिंग्स के अंदर आते रहे, देखते रहे CDs को, क्योंकि इन सब से उनको और ज्यादा वो अपने आप को अमीर करेंगे, दौलतमंद करेंगे। किस चीज के साथ? प्रोडक्ट के ज्ञान के साथ, प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स के साथ, और सफल व्यक्ति की कहानियों के साथ। नेक्स्ट स्लाइड जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे आपके लोगों ने अपने आप की तैयारी कर ली, उनके साथ कहिए कि इन तीनों ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को जरूर देखें। कौन सा? सबसे पहला, चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका, दूसरा शुरुआत की 7 गलतियां, और तीसरा वेस्टीज में शुरुआत कैसे की जाए, और इस चीज को दृढ़ कर लें, पक्का कर लें कि वो सब इन गुणों के गुरु हैं, यानी कि गुण यानी कि अच्छी हैबिट्स और इन सब चीजों के गुरु हैं, और उनकी समझदारी इसी में है ताकि वो इसको इस्तेमाल करें, और जितना ज्यादा हो सके अपने आप को प्रणालीबद्ध करें यानी कि सिस्टम में अपने आप को ढाल लें। लेडीज जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड जो आपके सामने आ रही है, उनमें से एक चीज तैयार कीजिए कि आप खुद तो तैयार हैं ही हैं कि क्या आपने अपने डाउनलाइन को इसमें भी पूरा तैयार किया है। हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग और वेस्टीज के बिजनेस का एक सिर्फ साधारण जो आधार है कि कोई भी काम करना है अगर उसको बेहतरीन ढंग से करना चाहते हो तो 5 से लेकर 7 बारी सिर्फ उसको दोहराना है। मुझे याद है एक व्यक्ति जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं, जो एक बहुत बड़े ब्रांड कंसल्टेंट हैं, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा कि आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि जो अच्छे बात करने का जो ढंग है उसके अंदर 5 P's क्या होते हैं।
मेरे को ज्ञान नहीं था क्योंकि मैं 4 P जानता था, 4 P ऑफ मार्केटिंग जानता था, पर कम्युनिकेशन स्किल्स के 5 P मैं नहीं जानता था। उन्होंने कहा 5 P सिर्फ वही हैं, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। लेडीज जेंटलमैन, अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइंस भी आपके जैसे ही इफेक्टिव हों, तो करना सिर्फ एक काम है कि हर चीज को 5 से लेकर 7 बारी दोहराएं ताकि वो उसके गुरु बन जाएं। जितना ही लोग इसको अगर 30 दिन तक लगातार सिर्फ करते रहें, जो हम आपको बता रहे हैं कि 7 कदम हर रोज करें 30 दिन तक, तो वो इतने समय में वो उनकी आदत बन जाएगी और वो अपने आप को एक सफल वेस्टिजियन पाएंगे। लेडीज जेंटलमैन, अपने डाउनलाइन को सिखाएं कि किस प्रकार के व्यक्ति को उनको अपने साथ लाना है और उनके साथ काम कैसे करना है। आप तुरंत ही अपने डाउनलाइन के साथ हो लें और कम से कम पॉसिबल टाइम के अंदर एक चीज की कोशिश कीजिए कि उनके 3 से लेकर 5 डाउनलाइंस आपके डाउनलाइन के तैयार हो जाएं। अगली स्लाइड पे ले जाते हुए, जैसे ही आपके 3 से लेकर 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके डाउनलाइन के तैयार हो गए नए नेटवर्क में, तुरंत ही आप उन सब के साथ एक तालमेल और सहयोग का प्रबंध की योजना बनाएं कि कौन व्यक्ति कब किसको कॉन्टैक्ट करेगा। मंडे वेंसडे थर्सडे आपने इनके साथ मीटिंग करनी है और यहां यहां उनको सपोर्ट करना है। ये पूरी की पूरी प्लानिंग होनी बहुत जरूरी है। लेडीज जेंटलमैन, जब आपके 3 से लेकर 5 लोग तैयार आपके डाउनलाइन के हो गए, अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि पहले 3 महीने पे उनको एक चीज गाइड कीजिए कि उनको सिर्फ बेसिक काम करने हैं। बेसिक काम करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज का उन्होंने ध्यान रखना है कि क्या, कि समय की बद्धता, राइट। और आप और वो व्यक्ति भी अपना पूरे समय और कोशिश, जो आपकी एफर्ट है, उस व्यक्ति के साथ लगाएं जो अकेले ही धमाका कर सकता है। हमारे सिस्टम के अंदर हम ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि जो लोग खुद काम कर रहे होते हैं हम उनको छोड़ देते हैं, और जो लोग काम नहीं कर रहे होते हम उनके साथ लग जाते हैं, ये सोचते हुए कि इनके नीचे अगर मैं किसी को सफल बना दूंगा तो शायद ये एक्टिव हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। इसके साथ होता क्या है, जो व्यक्ति खुद काम कर रहा होता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो अच्छा आदमी है, खुद काम करेगा, वो व्यक्ति जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के समय में जब उसको मुश्किल आती है और उसको मुश्किल में गाइड करने के लिए आप नहीं होते, तो वो निराश हो जाता है और वो भी बैठ जाता है। आपने अपना ज्यादा समय उसके साथ लगाना है जो व्यक्ति काम कर रहा है, ताकि आप उसकी मदद करके उसको टोटल एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बना सके। लेडीज जेंटलमैन, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो आपने इस एजुकेशन मॉड्यूल में देखा कि एक नया नेटवर्क कैसे बनाना है, ये नॉलेज, ज्ञान जो आपको मिला, ये सिर्फ सिद्धांतिक है, यानी कि बुकिश है, राइट। अगर आप इसको सफलता को हासिल करने में, ये नॉलेज जो हमने आपको दी, जो हमारे इतने सालों वर्षों के एक्सपीरियंस के बाद है, ये आपको मदद कर सकती है, पर ये सिर्फ इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस नॉलेज को कितना प्रैक्टिकल यूज में लाएंगे, राइट। क्योंकि सिर्फ कार्य, सिर्फ काम बातें नहीं, सिर्फ काम के अंदर ही वास्तविक बहुत बड़ी शक्ति छिपी होती है। लेडीज जेंटलमैन, चलते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी हार्दिक आशा है कि आप में से हर कोई अभी से कार्य करे, तुरंत कदम उठाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम ही, कार्य ही आपको दिला सकता है महान सफलता। इस मॉड्यूल को यहां पे एंड करते हुए, जो हमारा सिस्टम कहता है, कि मैं आप सबको वही विश करना चाहूंगा कि विश यू वेल्थ।